तो भाई आज ग्वालियर में हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे मिलती है तंदूरी नान रोटियां तो मिलती ही है, साथ में सब्जियां भी अनलिमिटेड है। क्या बात है भाई, सब्जियां भी अनलिमिटेड है। तो भैया कितने सालों से लगा रहे हो आप? अपने हो 3 साल। 3 साल यही जगह पे तानसेन रोड। तो कैसे मतलब दिमाग में आया कि नान रोटी का काम किया जाए? दिल्ली से देख के आए थे। अच्छा, दिल्ली का ही ट्रेंड चल रहा है, है? तो भाई दिल्ली का ही ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तंदूर भी आपकी रेडी में ही लगा हुआ है, बीच में ही लगा के रखते हो। और सब्जियाँ क्या क्या रखते हो आप, ये दिखा चला चला के दिखाओगे एक बार? भाई सब्जियाँ चेक कर लेते हैं पहले। अरे वाह भाई, ये देखो मटर पनीर, इसमें क्या क्या डालते हो? ग्रेवी में मगज है, काजू है, मगज काजू सब डालते हो? हाँ। और 50 रुपए में दे देते हो? प्याज की ग्रेवी रहती है। अच्छा, और दूसरी सब्जी कौन सी है? छोले है भाई, छोले चेक करो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इसमें भी ग्रेवी वही प्याज टमाटर। हाँ, प्याज की ग्रेवी, टमाटर नहीं डलता इसमें। अच्छा, ये अलग ही है मतलब कुछ है। और क्या सब्जी है? गोभी मसाला है। ये आ गई जी गोभी मसाला, क्या बात है। इसमें मटर वटर सब डाल, मटर वटर डाल, बढ़िया सी गोभी की सब्जी बना रखी है। और साथ में और कौन सी सब्जी है? दाल मखनी है। दाल मखनी थोड़ी पतली लग रही है आपकी, है? इसमें क्रीम बटर नहीं डालते ना? वो वाली नहीं है, दिल्ली स्टाइल वाली नहीं है, ये ग्वालियर स्टाइल ही है, है? और साथ में और क्या है? रायता है भाई, ये रायता भी है। तो ये भी 50 रुपए में ही है भैया, इतना सस्ता कैसे दे देते हो? इसमें सब्जियां चेंज होती रहती हैं कभी कभी, जैसे सब्जियां चेंज करते रहते हो तो इतना सस्ता कैसे दे देते हो? 50 रुपए में है, कोई बचता है? बच जाता है आपको कुछ? बच जाता है। कौन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग खाएं आपकी ये वो है? हाँ। उसी में बच जाता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई ये बताओ, ये तंदूर में क्या क्या बना देते हो? तंदूरी में अपने लच्छा पराठा है। हाँ, नान है, आलू नान, पनीर नान, मटर नान। जैसे हम थाली में कितने नान मिलते हैं? आलू नान आएंगे 2.50 रुपए में। 2.50 रुपए में आलू नान, बटर लगा के। और तंदूरी रोटी आएंगे 4। तंदूरी रोटी 4, और लच्छे पराठे भी 2। लच्छे पराठे 60 रुपए के 2। 60 रुपए की थाली है लच्छे पराठे की। वाह जी वाह। तो भाई ये थाली लगवाते हैं सबसे पहले। क्या लगवाना? नान लगवा दो, नान ठीक है। और एक थाली लगवाते हैं, एक थाली लगवाते हैं। क्या क्या डालोगे इसमें? आपका गोभी मसाला आ गया। हाँ। भाई ये देख लो आप, मटर पनीर भी आएगा। मटर पनीर आ गया आपका। ये देखो भाई, ये आ गई थी गोभी मटर पनीर। मटर पनीर साथ में छोले चेक करो आप, इनके कितने ज्यादा बढ़िया है। वाह जी वाह, ये आ गए जी छोले। और क्या आएगा? आएगा रायता। रायता ग्लास में नहीं देता है? नहीं नहीं, थाली में आता है। थाली में ही आता है। तो कोई अगर चारों सब्जी लेना चाहे वो भी दे देते हो? हाँ, है? चार सब्जी बोलो, चारों मिलेंगे। चारों मिलेंगी। सलाद भी आ गया, सलाद आ गया जी। वाह जी वाह, हरी चटनी। अच्छा, हरी चटनी भी है। हरी चटनी किस चीज की? धनिया पुदीना, धनिया पुदीना, लहसुन। हाँ, सब डाल के। सब डाल के बहुत बढ़िया। तो नान लग गए हमारे? आपको नान आ रहा है? नान अभी निकल के आ रहा है। तब तक आप ये सब्जियां देखिए कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, उसके बाद ट्राई करेंगे। भाई ये जो भाई है हमारे, तंदूर पे आप रोटियां बनाते हो? क्या नाम है आपका? कितने आप भी 3 साल से ही हो यहीं पे? नहीं, मैं 2.5 साल। 2.5 साल से हो तो इसमें सारे नान लच्छे पराठे सब आप ही बनाते हो, है? तो भाई अपना नान भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है यहाँ पे, और 2 नान जाते हैं ना एक थाली में। जी नान भाई, नान देखो कितना सॉफ्ट है, क्या बात है। क्या उन बटर लगाओगे? बटर बटर हल्का ही लगाना। कौन सा बटर लगाते हो? मूनलाइट। भाई ये आ गया जी अपना नान, 2 नान आते हैं ना। हम देखेंगे दबा दब जो है, रोटियां नान सब लगते रहते हैं बढ़िया से, और भैया कंटिन्यू लगते ही रहते हैं। हाँ। जैसे जैसे कस्टमर आते आते लगाते जाते हैं। रोटी 4 देते हो? रोटी 4। वाह जी वाह, दूसरा नान भी आ चुका है यहाँ पे हमारा। भाई यहाँ पे हमारी थाली आ चुकी है, और आप चेक करो 1, 2, 3, ये कह रहे हैं आप चाहो तो 4थी सब्जी भी यहाँ पे ले सकते हो। सबसे पहले आप इधर आ जाइए, ये देखिए भाई, ये है इनका मटर पनीर। वैसे पनीर पीस छोटे करके ही रखते हैं, क्योंकि जो है क्या आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो। साथ में ये आगे जी तरी वाले छोले, जिसमें इन्होंने बताया टमाटर तो होता ही नहीं है, प्याज की ग्रेवी होती है। भाई ये जो आलू गोभी है ना मटर,
ये काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसमें देखो तेज पत्ता वगैरह भी पड़ा हुआ है, तो काफ़ी मसालेदार होने वाली है आलू गोभी। साथ में रायता, चटनी, प्याज वगैरह सब देते हैं। तो गर्मा गर्म नान आ चुके हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मटर पनीर के साथ ट्राई करेंगे। भाई मटर पनीर जो है ना गर्जस है एकदम, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद हो, जैसे घर में प्यारा सा बनता है वैसा है। एक बार इनके छोले भी ट्राई कर लेते हैं। छोले भी बढ़िया ही है। ओवरऑल जो है ना अनलिमिटेड सब्जी है, रोटी आपको दो चार मिलेंगी, नान आपको दो मिलेंगे, और टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। एक प्लेट में पेट भर जाएगा आपका बढ़िया से। तो अगर आपको ट्राई करनी हो तो तानसेन रोड पे आप आएंगे। नाम क्या है दुकान का? रेडी का नाम यादव रेस्टोरेंट, यादव रेस्टोरेंट के नाम से है। ग्वालियर में आए तानसेन रोड पे, और इनका खाना ट्राई करें, काफ़ी ज़बरदस्त है, मज़ेदार है।